नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के YouTube चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। बज चुके हैं सुबह के 7, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सत श्री अकाल, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम और राधे राधे आप सभी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने अंकित गुप्ता जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। इसके अलावा फेसबुक पेज का नाम है जीके वेदर्स और टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित गुप्ता जी के। इन सभी को आप यहां पर ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि आप हर तरह की जो पीडीएफ है, जो स्टडी मटेरियल है, उसको भी प्राप्त यहां पर कर सकें। इन सभी की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई हैं, आप वहां से जाके भी लिंक के माध्यम से हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे से आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे और अनीशा पटवा जी का मोटिवेशनल कोट आज चुना गया है। ये क्या कहती हैं अनीशा पटवा जी? कहती हैं कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आपने अपने रास्ते खुद चुने क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। काफ़ी बेहतरीन ये मोटिवेशनल कोट है जो कि हमें यहाँ पर अनीशा जी ने यहाँ पर लिख कर दिया है। सबसे ज़्यादा 24 मोटिवेशनल यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोट को लाइक मिले हैं, इसीलिए इसे हम लोगों ने आर्टिकल ऑफ द डे आज के लिए चुना है। आज के इस सेशन में क्या क्या रहने वाला है? तो आज के सेशन में न्यूज़ कम है और आज के सेशन में केवल MCQs हैं, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी बनती है उन सभी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे प्रीवियस क्लास का रिवीजन, फिर उसके बाद लेटेस्ट करंट अफेयर्स MCQ होंगे, स्टैटिक क्विज होगा, फरवरी मंथ का रिवीजन भी करेंगे और कल जो हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट को डिस्कस किया था उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे और लास्ट में सेशन में हम लोग MCQ चैलेंज भी मैंने आप सभी के लिए रखा है। इसके अलावा एक से दो यहाँ पर छोटी सी अपडेशन भी है जो कि GDP के प्रोडिक्शन को लेकर यहाँ पर अपडेशन की गई है। जैसे कि 2020 और 21 को लेकर जो हमारा GDP प्रोडक्शन है, हम अगर यहाँ पर देखें तो UN ने जो प्रोडक्शन दिया है वो दिया है 4.8% का। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो यहाँ पर प्रोडिक्शन दिया गया है वो 1.5% से लेकर 2.8% के बीच में दिया गया है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही आसान सा नाम है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। जल्दी से इस नाम को भी रिवाइज कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्रिसिल भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फुल फॉर्म बनता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा भारत की GDP को 5.2% यहाँ पर प्रोडिक्ट किया गया है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो GDP 1.6%, मूडीज इन्वेस्टर्स के द्वारा 2.5% और IMF की वर्तमान जो प्रेसिडेंट बनती हैं वो बनती हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, 1.9% यहाँ पर IMF ने भी प्रोडिक्शन दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो पहले इसके लिए जिसने भारत के लिए जो GDP का प्रोडिक्शन दिया था वो 3.5% दिया था, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर अब यहाँ पर प्रोडिक्शन को रिवाइज कर दिया है और प्रोडिक्शन को रिवाइज करने के बाद जो अब लेटेस्ट प्रोडक्शन है वह 1.8%। मैं चाहता तो इसके ऊपर एक MCQ भी आप सभी के लिए फ्रेम कर सकता था, लेकिन हम लोग इसे लिस्ट के माध्यम से यहाँ पर समझ लेंगे कि पहले S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा 3.5% भारत की GDP प्रोडिक्ट की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में 1.8%। नोमरा एजेंसी की बात कर लेते हैं तो माइनस में 0.5%, इंडिया रेटिंग्स के द्वारा 3.6%, फिच इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो 4.6%, फिच रेटिंग्स की बात करते हैं तो 2%। इससे पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि SBI के इको रैप रिपोर्ट के अनुसार 2.6% आपकी GDP थी पहले और उसको भी यहाँ पर रिवाइज किया है और इसको घटाकर 1.1% यहाँ पर कर दिया है, तो इसमें भी आपको अपडेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ S&P ग्लोबल रेटिंग्स और SBI की इको रैप रिपोर्ट में जो GDP का प्रोडक्शन है उसमें रिविजन या उसको रिवाइज यहाँ पर किया गया है, उसमें यहाँ पर चेंज किया गया है थोड़ा सा, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा बार्कलेज की बात करते हैं तो उसके द्वारा 0.8% यहाँ पर GDP प्रोडक्ट किया गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक तो सारा रिवीजन क्लियर है। कल हम लोगों ने दो ट्रिक भी डिस्कस की थी ताकि भारत में जो आपके लोक नृत्य बनते हैं उनको आसानी से याद कर सकें। अगर हमें तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्यों को याद करना है तो हमें ट्रिक क्या याद करनी होगी, हमें एक लाइन याद रखनी होगी। उस लाइन का नाम है कि भरत तुम पुलकित और कुमकुम से मिलो। इससे पहले मैं आपसे कहता था कि तुम मिले भरत तो तुम से तमिलनाडु और भरत से भरतनाट्यम, लेकिन अगर आप इस लाइन को याद रखते हैं तो आपको यहाँ पर तीन लोक नृत्य याद हो जाएंगे तमिलनाडु स्टेट के, यानी कि भरत तुम
पुलकित और कुमकुम से मिलो, तो भरत से याद रखना है भरतनाट्यम, तुम से याद रखना है तमिलनाडु, पुलकित से याद रखना है पुल्लियट्टम, और कुमकुम से मिलो यानी कि कुमी, यहां पर आपको याद रखना है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। असम की बहू और बेगम रंभा भोरताल गई, असम की बहू और बेगम रंभा भोरताल गई, पॉइंट यहां पर क्लियर हुआ। ठीक है, आप इससे तीन जो इंपॉर्टेंट जो आपके बनते हैं लोकनृत्य, तो उनको आप याद रख सकते हैं आसानी से। असम की बहू से तो याद रखना है बिहू, जो स्टेट डांस का बनता है, असम की बहू तो बिहू, और बेगम रंभा, बेगम रंभा से याद रखना है बागुरुम्भा, बागुरुम्भा बेगम रंभा, भोरताल गई तो भोरताल भी वहां पर एक क्या बनता है, लोक नृत्य आपका बनता है। वर्तमान में असम स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स को भी, कि कौन कौन से आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में जो आपका विम्बलडन ओपन होने वाला था, विम्बलडन ओपन होने वाला था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अगर हम लोग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करते हैं, जो कि टेनिस के गेम में चार सबसे बड़े और मेजर टूर्नामेंट होते हैं, तो सबसे मेजर और सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम में, वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी के मिड में होता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई और जून के महीने में, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, लाल बजरी पर ये खेला जाता है। लाल बजरी के बादशाह के नाम से राफेल नडाल को जाना जाता है। राफेल नडाल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, टाइप करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। विम्बलडन की बात कर लेते हैं, तो जनवरी से जुलाई के बीच में आपका मनाया जाता है और ये ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर खेला जाता है। और साल के अंत का सबसे आखिरी जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, वो होता है आपका यूएस ओपन, जो कि आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ओल्डेस्ट जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वो बनता है, वो आपका विम्बलडन ओपन ही बनता है। क्या बनता है, विम्बलडन ओपन सबसे आपका ओल्डेस्ट बनता है, जबकि न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन बनता है, जरा मुझे टाइप करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइए, क्योंकि मैं पहले आपको अच्छे से टीच कर चुका हूं। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला की यहां पर शुरुआत करते हैं और कल की क्लास के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहां पर रिवाइज करेंगे। किस एयरलाइन कंपनी ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला COVID-19 रक्त परीक्षण शुरू किया है, जो कि 10 मिनट में परिणाम देता है, विच एयरलाइंस लॉन्च। मैं यहां पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर एक जल्दी से क्विक रिवीजन होगा, इस रिवीजन को उद्देश्य केवल इतना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप कल की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर रिवाइज कर सके। विच एयरलाइंस लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट COVID-19 ब्लड टेस्ट फॉर इट्स पैसेंजर विच गिव्स द रिजल्ट इन 10 मिनट्स, उस एयरलाइन का नाम यहां पर बनता है अमीरात एयरलाइन। मैंने कल आपको बताया था कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो कंट्री आपकी बनती है, उसकी ये एयरलाइन यहां पर बनती है। इसके अलावा विकल्प नंबर 4 को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, विस्तारा एयरलाइंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो विस्तारा एयरलाइंस सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा एयरलाइंस का यहां पर एक ज्वाइंट वेंचर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एयरलाइन यहां पर बनती है। अगला प्रश्न, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किसने किया, हु लॉन्च नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। सही जवाब यहां पर बनता है हमारे कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल जी, अर्जुन मुंडा जी हमारे बनते हैं जनजाति मामलों के मंत्री यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, रमेश पोखरियाल निशंक आपके बनते हैं HRD मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री, और थावरचंद गहलोत बनते हैं हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर यानी कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। अब ये 13 की 13 जो आपकी जो साइट्स बनती हैं, जिन्हें हम लोग 13 इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिनको हम लोग छू नहीं कर सकते, या इनको जिनको हम छू कर महसूस नहीं कर सकते। मान लेते हैं ये माउस है, मान क्या लेना है, ये माउस ही है आपका, और इस माउस को मैं यहाँ पर छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, लेकिन जिस चीज़ को मैं छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, वो इनटेंजिबल होती है। तो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल यहां पर किया गया है, वो कौन कौन से हैं, कल मैंने आपको बताया था, आज रिवाइज करेंगे। कुड़ियाट्टम जो कि एक संस्कृत थिएटर है केरला, मुदियती थिएटर रिचुअल है केरला का, इसके अलावा वैदिक चेंटिंग यानी कि जो वैदिक जाप होता है, वैदिक जप होता है, कालबेलिया नृत्य को भी यहां पर कल्चरल इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है राजस्थान से। राजस्थान राज्य का जो राजकीय नृत्य बनता है वो बनता है घूमर, यानी कि स्टेट डांस ऑफ राजस्थान, तो एक घूमर बनेगा। राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 2 स्टेट एनिमल आपके बनते हैं, 2 राजकीय पशु आपके बनते हैं, एक तो कैमल यानी कि ऊंट, दूसरा बनता है चिंकारा।
राजस्थान राज्य के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं अशोक गहलोत साहब, और हाल ही में राजस्थान राज्य ने ये दावा किया है कि उसने भारत ने या वो राज्य राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जिसने रैपिड टेस्टिंग को यहाँ पर अप्रूवल यहाँ पर दी है। इसके अलावा कलराज मिश्र राजस्थान के क्या बनते हैं, आपके गवर्नर बनते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। राजस्थान स्टेट भारत का सबसे बड़ा राज्य है अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर देखता हूँ, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य बनता है वो बनता है गोवा स्टेट। रामलीला को भी, जो कि ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायणा की, उसको भी यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट में शामिल किया गया है। इसके अलावा संकीर्तन को भी, इसके अलावा रमन को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा पारंपरिक और पीतल तांबा जो शिल्प है, यानी कि ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट की जो स्किल्स है पंजाब के लोगों के पास, उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा छाऊ डांस ईस्टर्न स्टेट्स में, यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो आपका ये डांस आपका होता है उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी से जो बौद्ध जप होता है, जो बौद्ध मॉन्क होते हैं उनके द्वारा, उसको भी शामिल किया गया है। योग को भी शामिल किया गया है। इंटरनेशनल योग आपका कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस साल के इंटरनेशनल योगा डे का जो मेन इवेंट होना है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ही होना है, जिसे मोदी जी यहां पर लीड करेंगे। नवरोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो नवरोज क्या है, ईरानियों का नववर्ष उत्सव होता है, यानी कि फारसी लोगों का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है वो नवरोज होता है। इतिहास उठाकर अगर आप देखेंगे तो बलवन के द्वारा, गयासुद्दीन बलवन के द्वारा इसकी शुरुआत भारत में की गई थी, और औरंगजेब ने नवरोज उत्सव पर प्रतिबंध आपका लगाया था। सबसे लेटेस्ट यहाँ पर कुंभ मेला बनता है। कुंभ मेले के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत में चार स्थानों पर कुंभ मेला आपका आयोजित होता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और अलाहाबाद, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी के सभी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती हैं। अगला प्रश्न, जीए के साथ साथ जीके पर भी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करते ही हैं ताकि आपकी 360 डिग्री जो आपकी जीके की नॉलेज है वो भी आपकी बेहतर होती हुई यहाँ पर चले। अगला प्रश्न, 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में यहाँ पर घोषित किया है, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है? द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इन 1982 अनाउंस द अप्रैल 18 एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर बनता है वो पेरिस फ्रांस में बनता है, जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वॉर्सॉ पोलैंड में आपकी हुई थी। अगला प्रश्न, विच यूनियन मिनिस्टर चेयर्ड द 12th ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन कोविड-19? किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की 12वीं बैठक की अध्यक्षता यहां पर की है? सही जवाब यहां पर बनता है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर यहां पर बनते हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, याद रखिएगा। प्रहलाद सिंह पटेल जी के हैं, कल्चरल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा क्या है, आदिवासी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी। रमेश पोखरियाल निशंक जी एचआरडी मिनिस्टर हैं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी भारत के लखनऊ शहर, जो कि राजधानी बनता है उत्तर प्रदेश की, वहां से सांसद आपके बनते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्यान्नों के सर्वाधिक एकल दिन वितरण का रिकॉर्ड रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेट्स अ रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट सिंगल डे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने एक दिन में सर्वाधिक जो फूड ग्रेन्स को बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका सही जवाब यहां पर उत्तर प्रदेश आपका बनता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि आनंदीबेन पटेल यहां की गवर्नर बनती हैं। यहां पर दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जल्दी से उनका नाम टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क बनता है वो बनता है आपका दुधवा नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। नवाबगंज पक्षी विहार यहीं उत्तर प्रदेश में ही आपका मौजूद है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। इसके अलावा बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बनता है, ये भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और लोकसभा सीटों के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा राज्य बनता है। उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, आरबीआई अनाउंसेस हाउ मच अमाउंट बूस्टर पैकेज फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंडस्ट्री? आरबीआई ने छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए कितने अमाउंट का बूस्टर पैकेज यहां पर घोषित किया है? तो कल ही मैंने बताया था कि ऑप्शन नंबर 5 यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी संख्या सही नहीं है। आरबीआई के द्वारा 50,000 करोड़ का बूस्टर पैकेज यहां पर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री के लिए दिया गया है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और मीडियम साइज इंडस्ट्री को डेवलप करने की जो जिम्मेदारी बनती है वो सिडबी की बनती है। जी हाँ, सिडबी का फुल फॉर्म बनता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उनको
डेवलप करने की जो जिम्मेदारी बनती है वो सिडबी की बनती है। सिडबी का जो हेडक्वार्टर बनता है वो भारत के किस शहर में मौजूद है, एक बार ये भी सभी लोग टाइप करके मुझे बताइएगा। आरबीआई की बात करते हैं तो 1926 में हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई को भारत में 1934 के कानून आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। शुरुआती स्तर पर आरबीआई की जो पूंजी थी, कैपिटल थी, वो 5 करोड़ रुपए थी, जो कि 100-100 रुपए की 5 लाख शेयर्स में डिवाइडेड थी। 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता शहर में मौजूद था और फिर इसका हेडक्वार्टर आपका रिलोकेट करके 1937 में मुंबई लाया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। आरबीआई के पहले गवर्नर आपके बनते हैं सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जबकि आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर बनते हैं, पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं डॉक्टर सर सीडी देशमुख, यानी कि सर चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख। भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आरबीआई के 15वें गवर्नर आपके रहे थे। शक्तिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं और कौन से नंबर के गवर्नर हैं जरा मुझे जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, होम डिलीवरी के लिए किस राज्य सरकार ने सी घाट वेबसाइट को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर बनता है छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में एक झलक हम लोग यहां पर देखेंगे। छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ आपका जो घिरा हुआ है वो एक तरफ से उड़ीसा, दूसरी तरफ से आंध्र प्रदेश, तीसरी तरफ से तेलंगाना, चौथी तरफ से महाराष्ट्र, पांचवी तरफ से मध्य प्रदेश, छठी तरफ से उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से आपका घिरा हुआ है। इस राज्य की स्थापना सन 2001 नवंबर को होती है, राजधानी बनती है रायपुर, जिलों की संख्या 27 है। अनुसुईया उइके जी यहाँ की गवर्नर बनते हैं, भूपेश बघेल जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें आपकी बनती हैं। एनिमल की बात करते हैं, स्टेट एनिमल बनती है वाइल्ड बफेलो, हिल मैना यहाँ का राज्य की पक्षी, और ट्री आपका जो बनता है वो साल नाम का वृक्ष यहाँ पर बनता है। नेशनल पार्क के बारे में कल भी रिवाइज कराया था, मतलब कल भी बताया था, आज हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। कौन कौन से? अचन कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर मौजूद है, इंद्रावती नेशनल पार्क यहीं पर मौजूद है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क यहीं पर मौजूद है, गुरु घासीदास जी से संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा बर्नवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी छत्तीसगढ़ में ही आपकी मौजूद है। एक ऑबिचुरी के बारे में कल डिस्कशन हुआ था जो आपके सामने है कि आरबी भुस्कुटे जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक महान थे। क्या थे? आरबी भुस्कुटे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। किस आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इस महान स्वतंत्रता सेनानी की हाल ही में यहाँ पर क्या हो चुकी है? डेथ यहाँ पर हो गई है। अगला प्रश्न, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? When Indian Council of Medical Research was founded, आप इस समय देखेंगे कि काफ़ी बड़े स्तर पर ICMR रिसर्च के लिए यहाँ पर एक्टिव है और कई बार कोरोना वायरस को लेकर, COVID-19 को लेकर जो जानकारी है वो ICMR के द्वारा सामने लाई जाती रही है। तो इसलिए याद रखिएगा 1911 में ICMR की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में ये आपका मौजूद है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली में मौजूद है। विश्व वाणी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? When is the World Voice सेलिब्रेटेड, अ वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? तो कल ही बताया था कि 16 अप्रैल को विश्व वॉइस दिवस या विश्व वाणी दिवस आपका मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। टोटल 38 भारत में क्या है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी आपकी मौजूद हैं। कल हम लोगों ने करीब करीब 15 से 16 जो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के, उनको रिवाइज किया, उनको देखा था, आज रिवीजन करेंगे। अमिताभ बच्चन जी तो IDFC फर्स्ट बैंक के क्या बनते हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। करीना कपूर जी तो याद रखिएगा प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। रियलमी स्मार्टफोन इनका एडवर्टीजमेंट भी आपने टीवी पर देखा होगा। सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। टाटा पावर की बात करते हैं तो क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौरभ गांगुली को इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा
टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो कि 2020 में होने थे अब 2021 में होंगे, कोरोना महामारी को देखते हुए उसके लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया था। दिशा पटानी जो कि एक एक्ट्रेस है और इसके अलावा शेफ बनते हैं संजीव कपूर साहब, इनको वॉशिंगटन एप्पल्स के लिए आपका ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर चुना गया है। सुनील शेट्टी साहब को नाडा के लिए यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रिबॉक की बात करते हैं तो कैटरीना कैफ, ब्रूने एंड बेरिस्किन की बात करते हैं तो हरभजन सिंह इस पर्टिकुलर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बने हैं। हिमा दास की बात करते हैं, स्प्रिंटर हैं, धावक हैं, तो गाटो रेड की ये क्या है ब्रांड एम्बेसडर हैं। विकी कौशल जिन्होंने उरी फिल्म में किरदार निभाया था और उरी फिल्म में निभाए गए अपने किरदार के लिए इनको यहाँ पर नेशनल अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्टर का। हैविल्स के मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर चुना गया है। भारत पे के लिए सलमान खान को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ तक का रिवीजन सेशन उम्मीद है क्लियर रहा होगा। रिवीजन सेशन हेल्पफुल होता है या नहीं, सारी बातें समझ में आती है या नहीं, एक बार चीज़ें देखो, ताज़ा रिवीजन होता है ना तो चीज़ें दिमाग में जल्दी बैठती हैं। होमवर्क हमेशा इसलिए दिया जाता था ताकि आज आपने मान लेते हैं कोई टॉपिक रीड किया, मान लेते हैं आप मैथ्स के सब्जेक्ट में या मैथ्स का सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और मैथ्स का आज आपने कोई फॉर्मूला सीखा है, तो हमेशा मैथ्स का टीचर क्या करता है, आपको घर के लिए कुछ होमवर्क दे देता है। इसीलिए कि आज आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है अगर आप उन्हीं के क्वेश्चंस को आज घर पर लगाकर प्रैक्टिस करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी तरह कल हमने जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे उनका आज रिवीजन करने से ताज़ा रिवीजन हो जाता है तो चीज़ें दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं। अगर आप इसी रिवीजन को 15 दिन बाद करेंगे तो इसमें से आधी चीज़ें आपके दिमाग से स्किप कर जाएंगी। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं जरा मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट एमसीक्यू है, मैं चाहता तो इसे न्यूज़ के फॉर्म में भी डिस्कस कर सकता था लेकिन जितनी भी आपकी लेटेस्ट न्यूज़ बनी है उन सभी न्यूज़ के ऊपर यहाँ पर मैंने एमसीक्यू फ्रेम कर दिया है क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा मैं यहाँ पर पीपीटी नहीं बना पाया हूँ लेकिन मैंने सारी की सारी न्यूज़ कवर कर दी हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आज एडजस्ट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि स्पोर्टिंग मोबाइल मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किस मोटर कंपनी के द्वारा किया गया है। स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन, आप यहाँ पर एक इमेज भी देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल कंपनी की, नॉर्टन इस कंपनी को खरीद लिया है किस भारतीय कंपनी ने, यामाहा, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहां पर बनता है इनमें से कोई नहीं। अब फिर से दिमाग, अभी सवाल का सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि यहां पर ऑप्शन आता है नन ऑफ दीज और एग्जाम में कई बार नन ऑफ दीज ऑप्शन भी सही होता है। तो नॉर्टन नाम की जो आपकी मोटर कंपनी है इसे भारत की टीवीएस मोटर्स ने यहां पर खरीद लिया है। किसने खरीदा है, टीवीएस मोटर्स ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। कितने अमाउंट में, लगभग 153 करोड़ के आसपास, इसे आप मोटा याद रखिएगा, 150 करोड़ के अमाउंट में यहाँ पर क्या किया है, अधिग्रहण यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्टन मोटरसाइकिल्स की स्थापना हुई थी जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन के द्वारा 1898 में बर्मिंगहम इंग्लैंड में। यानी कि इतनी बात हमें समझ में आ जाती है कि नॉर्टन नाम की जो आपकी मोटरसाइकिल कंपनी है ये एक इंग्लैंड की कंपनी है जिसे जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने 1898 में इसे स्थापित किया था। अब जिस टीवीएस मोटर्स कंपनी ने इसको इसका अधिग्रहण किया है इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में बनता है। कितने लोगों को टीवीएस का फुल फॉर्म पता है, अगर पता है तो मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जानना चाहूँगा। मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये नाम एक व्यक्ति का नाम है और काफ़ी लंबा नाम है, मुझे सच बताऊँ तो याद नहीं है। किसी को भी याद हो तो मुझे टीवीएस का फुल फॉर्म टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइए। इस कंपनी के वर्तमान चेयरमैन और एमडी भी आपसे पूछे जा सकते, तो वेणु श्रीनिवासन इस कंपनी के वर्तमान चेयरमैन और एमडी हैं। टीवीएस मोटर्स हेडक्वार्टर बनता है तमिलनाडु चेन्नई में। कितने में, लगभग 150 करोड़ में इन्होंने अधिग्रहण पूरा किया है। नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी किस देश की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है आपकी बनती है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित डाक कर्मचारियों के लिए कितना मुआवजा यहां पर घोषित किया, केंद्र सरकार के द्वारा डाक कर्मचारियों के लिए कितना मुआवजा यहां पर घोषित किया गया है। हाउ मच कंपनसेशन फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और सही जवाब यहां पर बनता है 10 लाख रुपए। किस लिए कंपनसेशन सर, क्यों यहां पर क्षतिपूर्ति देने की बात की गई है, तो देखो साफ साफ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रविशंकर जी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं,
तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से कहा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, जिस तरह से हमारा देश वर्तमान में कोरोना वायरस के हालातों से गुजर रहा है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ 10 लाख ऑफ ऑल पोस्टल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द ग्रामीण डाक सेवक सकमिंग टू डिजीज वाइल ब्रॉट आउट ऑफ ड्यूटी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई भी डाक सेवक या यू कहें कि डाक या भारतीय डाक का कर्मचारी, जिसमें आपके ग्रामीण डाक सेवक भी आपके शामिल हैं, अगर ड्यूटी के दौरान उनकी कोविड-19 से मौत हो जाती है, तो यहां पर 10 लाख तक का कंपनसेशन देने की यहां पर बात की गई है कि कोविड-19 की वजह से किसी भी डाक कर्मचारी का अगर निधन होता है तो वहाँ पर 10 लाख का क्षतिपूर्ति उनको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब उम्मीद है कि आप पॉइंट यहाँ पर समझ गए होंगे कि बात किस बारे में हो रही थी। इंडिया पोस्ट की पर बात करेंगे, भारतीय डाक की यहां पर बात करेंगे। बहुत ही पुराना और प्राचीन ये डिपार्टमेंट है जो भारत में वर्क करता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में भारतीय डाक का पिता कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का पिता भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही भारत में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज हड़पने की जो नीति है, जिसके तहत अगर किसी भी भारतीय राजा या शासक का कोई भी सगा वारिस नहीं है तो या सगा बेटा नहीं है या वारिस नहीं है तो उनके राज्य को भारतीय राज्य में मिला लिया जाएगा, ये नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू की थी। 1854 में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को शुरू किया गया था। वर्तमान में इंडिया पोस्ट का हेडक्वार्टर आपका डाक भवन नई दिल्ली आपका बनता है। डाक विभाग की बात कर लेते हैं, इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत काम करता है। इसकी एक सब्सिडरी है, सहायक कंपनी है, जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और मैंने आपको बताया कि भारत का पहला जो पेमेंट्स बैंक था वो था आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो जब आपका पेमेंट्स बैंक के लिए आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जा रहा था तो भारतीय पोस्ट ने भी पेमेंट्स बैंक के लिए लाइसेंस यहां पर लिया था। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, याद रखिएगा, ये एक पेमेंट्स बैंक है जो कि इंडिया पोस्ट की एक सब्सिडरी यहां पर बनती है। पेमेंट्स बैंक के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट बनती है वो 100 करोड़ बनती है और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट बनती है वो 200 करोड़ आपकी यहां पर बनती है। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्रोटीन समृद्ध बिस्किट का उत्पादन शुरू किया है? विच इंस्टीट्यूट प्रोड्यूसेस प्रोटीन इनरिच्ड बिस्किट्स फॉर दी कोविड-19 पेशेंट्स, ताकि उनके शरीर में प्रोटीन पहुंचे और उनका जो थोड़ा सा रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो और यहां पर बढ़ जाए। एम्स अस्पताल के द्वारा या ICMR इंस्टीट्यूट के द्वारा या CSIR के द्वारा या IIHMR के द्वारा, यहाँ पर सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सही जवाब क्या है। सही जवाब यहाँ पर बनता है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। एम्स का फुल फॉर्म बनता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ICMR का फुल फॉर्म बनता है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके बारे में हमने इसी सेशन की शुरुआत में डिस्कस भी किया है। और IIHMR का फुल फॉर्म बनता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च। आपको बस ये नाम याद रखना है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा प्रोटीन से इनरिच्ड बिस्किट्स का निर्माण यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, ताकि इन्हें कोविड-19 रोगियों को दिया जा सके और उनकी जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उनकी क्षमता रोगों से लड़ने के लिए यहाँ पर बढ़ाई जा सके। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए 100 करोड़ रुपए के शहरी वेतन रोजगार पहल की घोषणा यहाँ पर की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 100 करोड़ अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव टू जेनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर दी अर्बन पुअर। अर्बन पुअर का मतलब है शहरी गरीब, तो शहर में गरीबों के लिए यहाँ पर अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव यानी कि शहरी वेतन रोजगार पहल 100 करोड़ के अमाउंट से शुरू की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? ऑप्शन आप सभी के सामने है, यहाँ पर सही जवाब जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 5 यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसी तरह की एक योजना बिहार सरकार ने भी शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अर्बन लेवल पर नहीं, मतलब शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की थी। एक रोजगार स्कीम उन्होंने शुरू की थी ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पर जवाब है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब यहाँ पर बनता है उड़ीसा स्टेट यानी कि उड़ीसा राज्य, आपका सही जवाब यहाँ पर बनता है। उड़ीसा राज्य की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, उड़ीसा राज्य की जो राजधानी बनती है वो आपकी बनती है क्या? भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी बनती है। गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर बनते हैं। नवीन पटनायक जी यहाँ के क्या बनते हैं? चीफ मिनिस्टर बनते हैं बीजू जनता दल से।
पेटा इंडिया अवार्ड से भी नवीन पटनायक जी को यहां पर नवाजा गया है। उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जिसने इस बात की घोषणा की थी कि कोविड-19 के लिए भारत का सबसे बड़ा अस्पताल स्थापित किया जाएगा उड़ीसा राज्य में ही। इसके अलावा मो जीवन कार्यक्रम भी उड़ीसा में चला जा रहा है। मो जीवन कार्यक्रम का मतलब है माई लाइफ प्रोग्राम कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसके अलावा मो प्रतिभा कार्यक्रम भी बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उड़ीसा राज्य में ही आपका चलाया जा रहा है। उड़ीसा राज्य का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो कटक में मौजूद है, जबकि उड़ीसी यहाँ का क्लासिकल डांस आपका बनता है। भीतरकणिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और गिहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आपके उड़ीसा में मौजूद है। लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर, इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी आपका उड़ीसा स्टेट में मौजूद है। स्टैटिक रिवीजन कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। रिसेंटली आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ विच बैंक एज इट डजंट हैव एडिक्वेट कैपिटल। यस बैंक 2004 में स्थापना हुई थी। मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक या मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां हैं जो कि आप सभी को सर्च करनी है। इसका हेडक्वार्टर ये किस राज्य में है, ठीक है, और भी जो कुछ जरूरी जानकारी है, एमडी है, सीईओ है या जो भी इस बैंक को लीड करते हैं उनका नाम भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद। और डिटेल में इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। काफी लंबे समय से क्राइसिस में आपका चल रहा है बैंक एक्सिस बैंक की, सॉरी एक्सिस बैंक बोल दिया, यस बैंक 2004 में इस बैंक की स्थापना हुई थी और राणा कपूर साहब के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इस बैंक का हेडक्वार्टर आपका मुंबई बनता है। अगला प्रश्न, कई बार क्या होता है दोस्तों, मुझे याद आ गया, मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं तो मुझे बच्चे बताते हैं कि सर आपने ये पॉइंट गलत बोल दिया है और थोड़ा सा इसको ठीक से पढ़ाइए। तो जैसे मान लेते हैं कि ठीक है, उनकी बात अपनी जगह सही है। कई बार मैंने एक दिन बोल दिया था कि गोमती नदी लखनऊ आपका हुगली नदी के किनारे मौजूद है। एक्चुअली हुगली गोमती सब उसमें साथ ही साथ चल रहा था। तो कई बार क्या होता है कि दिमाग में दो तीन चीज़ें आपकी चलती होती हैं और दिमाग में बोलना तो मैं गोमती रिवर ही चाहता था, ये हम सभी को पता है। मैं आपको हजार बार बता चुका हूँ कि लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के किनारे मौजूद है, लेकिन एक दिन मैंने लखनऊ के साथ साथ यहाँ पर बोल दिया कि लखनऊ आपका हुगली रिवर के किनारे मौजूद है। तो किसी स्टूडेंट ने उसको नोट कर लिया, अच्छी बात है, नोट करना भी चाहिए, गलतियां बताना भी चाहिए, लेकिन कई बार थोड़ा सा कॉमन सेंस रख लीजिएगा कि गलती से शायद सर के मुंह से निकल गया है, वो गोमती ही कहना चाहते थे लेकिन हुगली बोल दिया है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। तो कई बार क्या होता है गलती से निकल जाता है, आप लोग भी कई बार इस तरह से गलती कर देते होंगे, तो ठीक है, याद दिलाना अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में बोलना मुझे नहीं लगता कि ठीक होता है। ठीक है, आपने मुझे याद दिला दिया, ये ठीक है, बट अगर हम आप ये बोलें कि सर आपको इतना भी नहीं पता ये वो, तो क्या होता है ना कि अब देखिए वीडियो तो कंप्लीट हो गया, अब उतनी सी चीज़ के लिए हम लोग वीडियो को दोबारा ठीक तो नहीं कर सकते। तो वो कॉमन अंडरस्टूड रहता है कि अंडरस्टैंडेबल ही है, अंडरस्टूड ही है कि वो सर गोमती बोलना चाहते थे, वो हुगली वो बोल गए हैं। इसके अलावा कभी कोई ऐसी चीज़ हो जो कि सच में कोई हम गलत चीज़ बोल जाए, उसको याद जरूर दिलाइए, लेकिन जो छोटी मोटी इस तरह की मिस्टेक्स हैं जो कि अंडरस्टूड हैं कि हाँ ये तो हो जाता है, तो थोड़ा सा दरकिनार करिएगा, बस इतनी सी आप सभी से गुजारिश रहेगी। अगला प्रश्न, नियर बाय स्पॉट विच नियर बाय स्पॉट निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव है। नियर बाय स्पॉट हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टाटा कंपनी, इनमें से कोई नहीं। पहली चीज तो सर ये बताइए कि नियर बाय स्पॉट है क्या। नियर बाय स्पॉट क्या है, ये एक तरह की एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत आप अपने मोबाइल के तहत ये जान सकते हैं कि आपके आसपास जो स्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ पर किराना स्टोर मौजूद है, कहाँ पर सब्जी स्टोर मौजूद है। तो नियर बाय जो असेंशियल गुड्स आपको चाहिए हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है, आप जहाँ पर हैं उसके आसपास इनमें से कौन सी चीज़ आपको मिल सकती है, उनके लिए यहाँ पर शुरू किया गया। गूगल की एक एप्लीकेशन है, एक इनिशिएटिव है जो कि गूगल ने यहाँ पर शुरू किया है। तो नियर बाय स्पॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल कंपनी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सुंदर पिचाई इस कंपनी के आपके सीईओ बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनते हैं सत्या नडेला साहब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न काफी धमाकेदार है और यहां पर एक नहीं बल्कि चार चार किताबें आपसे मैंने पूछी हैं। ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो बाकी के जो तीन ऑप्शन होंगे इनकी भी तीन प्रसिद्ध किताबें अगर आप बता सकें तो बताइएगा। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु।
शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, पुस्तक की लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं, सत्यार्थ नायक, विश्वनाथन आनंद, जूई करकरे या वी कृष्ण स्वामी, इनमें से कोई नहीं। पीवी सिंधु कौन है? ये एक बैडमिंटन की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इनके जीवन पर आधारित एक किताब लिखी गई है, शटलिंग टू द टॉप। ये लिखी गई है वी कृष्णमूर्ति साहब के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? वी कृष्णमूर्ति साहब जी के द्वारा यहाँ पर ये किताब लिखी गई है। इसके अलावा सत्यार्थ नायक जी की एक किताब मैंने कुछ ही दिनों पहले आप सभी के साथ डिस्कस की थी, इसका नाम था श्रीदेवी गर्ल विमेन सुपरस्टार, और ये हाल ही में किताब या तो सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम में, कुछ शिफ्ट का एग्जाम आपका हुआ था सीएचएसएल का इसी साल, उसके बाद कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, उसमें शायद ये बुक पूछी गई थी। विश्वनाथन आनंद की बात कर लेते हैं तो हम सभी जानते हैं चेस मास्टर हैं और भारत का सबसे बड़ा जो खेल का सम्मान होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसे प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता भी हैं। इन्होंने एक लेखक के साथ मिलकर माइंड मास्टर नाम की किताब भी लिखी थी। जूई करकरे की बात कर लेते हैं, ये हेमंत करकरे साहब जो कि 26/11 का जो हमारे देश हमला हुआ था, मुंबई पर अटैक हुआ था, उसमें हेमंत करकरे साहब जो कि एक पुलिस के एक बड़े अधिकारी, शायद एटीएस के एक बड़े अधिकारी थे, इनकी डेथ हो गई थी, ये शहीद हो गए थे। इनकी बेटी हैं जूई करकरे, इनके द्वारा इनकी किताब यहाँ पर लिखी गई है। ये एक मेमोयर है, संस्मरण है अपने पिता को याद करते हुए, उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को इस किताब में इन्होंने उजागर यहाँ पर किया है। तो तीन किताब आपको, चार किताबें आपके यहाँ पर रिवाइज हो गई हैं, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, माइंड मास्टर, हेमंत करकरे अ डॉटर्स मेमोयर, और इसके अलावा शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इसके अलावा अगर हम लोग बैडमिंटन खेल की बात करते हैं तो साइना नेहवाल भी एक बड़ा नाम बनती हैं। साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा प्लेइंग टू विन उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम यहाँ पर बनता है, याद रखिएगा। टेनिस के खेल में सानिया मिर्जा का नाम भी आपने सुना होगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी बनती है एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स। अगला प्रश्न, हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी डे? वेरी इजी, वेरी आसान। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है 21 अप्रैल को, जो कि कल आपकी तारीख आएगी, नेशनल सिविल सर्विसेज डे आपका मनाया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी न्यू एमसीक्यू थे, फ्रेश एमसीक्यू थे, जितनी भी न्यूज़ आपकी बन सकती थी, उन सभी न्यूज़ पर आधारित यहाँ पर एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। फरवरी महीने से कुछ मैं एमसीक्यू आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, जो भी डिटेलिंग है वो आपके सामने ही प्रदर्शित मैं कर दूंगा, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इन प्रश्नों को मैंने फरवरी के महीने में आप सभी के साथ डिस्कस किया है, लेकिन साथ ही साथ इनका रिवीजन भी यहाँ पर ज़रूरी यहाँ पर बनता है। अमेरिकन फैक्ट्री, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है, यह किसके द्वारा निर्मित की गई थी? अमेरिकन फैक्ट्री एक फिल्म है, Which won the Oscar for the best feature-length documentary was produced by, तो इसे प्रोड्यूस किया गया था अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब के द्वारा। ऑस्कर में इस साल के लिए कौन सी मूवी हमारी तरफ से भेजी गई थी नॉमिनेशन के लिए, उस मूवी का नाम मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइएगा। अमेरिकन फैक्ट्री मूवी की बात कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री थी जो कि बराक ओबामा साहब और उनकी जो वाइफ बनती है मिशेल ओबामा, उनके द्वारा, उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम है हायर ग्राउंड, उसके द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस की गई थी। द डॉक्यूमेंट्री फिल्म वॉज रिलीज इन दी नेटफ्लिक्स, और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नेटफ्लिक्स में रिलीज किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि ये बराक ओबामा साहब की जो प्रोडक्शन कंपनी है हायर ग्राउंड, उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई पहली फिल्म थी और पहली ही फिल्म यहाँ पर ऑस्कर के लिए चुन ली गई है। तो भैया बराक ओबामा ये भी कह सकते हैं कि मुझे विश्व शांति का नोबेल तो मिला ही था और मैंने ऑस्कर भी जीता है। बराक ओबामा का पूरा नाम बनता है बराक हुसैन ओबामा, ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे, 44th प्रेसिडेंट थे, जबकि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, और 2009 से लेकर 2017 के बीच में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। ही वॉज दी फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन्हें दुनिया के सबसे बड़े शांति सम्मान नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2009 में, इन्हें प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से 2017 में, और बिकमिंग बुक नाम याद रखिएगा, इनकी जो वाइफ बनती है मिशेल ओबामा, उनके द्वारा हाल ही में उनकी एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट बनती है बिकमिंग बुक, ये एग्जाम में भी आपकी पूछी गई है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज COP13 के शुंभकर को किस पक्षी का नाम दिया गया है? विच बर्ड इज नेम द मैस्कॉट ऑफ UN कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज? करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान का राजकीय पक्षी भी आपका बनता है, याद रखिएगा।
हॉर्नबिल की बात कर लेते हैं, तो हॉर्नबिल नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी पॉपुलर है और ये आई थिंक नागालैंड का स्टेट बर्ड भी है। इंडियन रोलर की बात करते हैं तो जहाँ तक मेरी जानकारी है ये शायद केरल राज्य का राजकीय पक्षी यहाँ पर बनता है। ग्रेटर फ्लैमिंगो, जिसको भी याद हो जरा मुझे टाइप करके बताइएगा कि ये किस राज्य का राजकीय पक्षी यहाँ पर बनता है। अगर हम लोग 13 COP कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जो कि माइग्रेटरी स्पीचेस के ऊपर आधारित थी, तो इसे पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी थीम थी माइग्रेटरी स्पीचेस कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम। विजनरी प्रोस्पेक्टिव प्लान की बात करते हैं तो 2020 से लेकर 2030 के लिए यहाँ पर एक ड्राफ्ट पास किया गया है जिसमें 1317 बर्ड स्पीशीज आपकी शामिल हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि 201,503 वेटलैंड्स हैं जो कि भारत के करीब करीब 2.25 हेक्टेयर के जो एरिया में है उसमें फैले आपके हुए हैं। तो 2020 से लेकर 2030 का जो ड्राफ्ट प्लान है ताकि माइग्रेटरी स्पीशीज की संख्या बढ़ाई जा सके और उन्हें भारत में सुरक्षा दी जा सके, उसके लिए ये यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार आपका किया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य माफी चाहेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए रीडिंग मिशन पहल यहां पर शुरू की है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दी रीडिंग मिशन इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। रीडिंग मिशन का यहां पर जो पहल का उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों के बीच में, लोगों के बीच में रीडिंग हैबिट्स को यहां पर विकसित करना, लोगों के अंदर फिर से आदत डलवाना। अगला प्रश्न, डीआरडीओ के द्वारा 200 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ विकसित की जा रही बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है। नेम द बैलिस्टिक मिसाइल विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ विद द स्ट्राइक रेंज ऑफ 200 किलोमीटर। करेक्ट आंसर यहां पर बनता है प्रनाश मिसाइल। प्रनाश मिसाइल 200 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। ये प्रहार मिसाइल का ही आई थिंक एक अपडेटेड वर्जन है यहां पर, जहां तक मेरी जानकारी है, तो इसको याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, यहां पर प्रनाश मिसाइल की बात करते हैं तो यह सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए मौजूद है। इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर है और इस मिसाइल का एक एडवांस, इससे पहले भी प्रनाश मिसाइल आपकी बनाई गई थी 150 किलोमीटर, लेकिन प्रनाश मिसाइल का जो पहला वर्जन है उसे प्रहार मिसाइल कहा जाता था और प्रहार मिसाइल आपकी 150 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल थी और अब इसे 200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल इसकी बनाई है जो कि इसका अपडेटेड वर्जन है। इसे प्रनाश मिसाइल यहाँ पर नाम दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो आपका मारक जो सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद कुछ इस तरीके से वो अपने टारगेट को हिट करती है। मान लो मुझे हिट करना है तो कुछ इस तरीके से, जबकि आपकी जो क्रूज मिसाइल होती है लॉन्च होने के बाद पृथ्वी के बिल्कुल करीब करीब होके अटैक करती है। तो क्रूज मिसाइल बिल्कुल पृथ्वी की सतह के करीब करीब उड़ती है जबकि बैलिस्टिक मिसाइल एक गुमदाकार आकृति को फॉर्म करते हुए आपकी उड़ती है। अगला प्रश्न, किस भारतीय कंपनी ने डीआरडीओ के मार्गदर्शन में अमोघा 3 एंटी गाइडेड मिसाइल और वरुणास्त्र एंटी सबमरीन टॉर्पीडो को लॉन्च किया है। विच इंडियन कंपनी हैज लॉन्च द अमोघा 3 एंटी गाइडेड मिसाइल एंड वरुणास्त्र एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का मतलब यहां पर यह हो जाएगा कि जो कि सबमरीन को मार गिराने के लिए यहां पर का जो काबिलियत रखती हो अंडर द गाइडेंस ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ के साथ मिलकर। तो यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई है, डीआरडीओ ने ही इसको बनाया है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर डीआरडीओ मुझे नहीं ऑप्शन में रखना चाहिए था। अगला प्रश्न, अजय वॉरियर इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो अजय वॉरियर इंडिया और किंग और यूके के बीच में किया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पर बनता है। अगला प्रश्न, दो शहरों के बीच विशेष लिंक प्रदान करने के लिए मुंबई में आयोजित होने वाला पहला यरूशलेम मुंबई उत्सव मनाया जाएगा और यरूशलेम किस देश की राजधानी आपकी बनती है। तो यरूशलेम जो राजधानी बनती है वो इजराइल की राजधानी बनती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 28वें जिले के रूप में गठित किया गया है। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही
वाज फॉर्म 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट, करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है छत्तीसगढ़। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य ने भी अपना एक जिला यहाँ पर बढ़ाया है, और तमिलनाडु ने एक जिला जो बढ़ाया है उसको बढ़ाने के बाद तमिलनाडु में भी जो जिलों की संख्या है वो बढ़कर 38 हो चुकी है, 38 यहाँ पर हो चुकी है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी कि दालों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए, करेक्ट आंसर बनता है 10 फरवरी। हाल ही में किस, अब यहां पर वन लाइनर के लिए तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, एक एक करके तुरंत तुरंत आंसर करना है, ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुदुम्बश्री होटल योजना को शुरू किया, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च कुदुम्बश्री होटल्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है केरला स्टेट। केरला स्टेट में कुछ समय पहले इंटरनेशनल सी फूड शो भी आपका चलाया गया था, जिसकी थीम बनती है ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडिशन। फर्स्ट सुपर फैब लैब भी केरला राज्य में ही शुरू की गई थी, और फर्स्ट स्टेट भी केरल राज्य ही था जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में पहला जो प्रस्ताव है भारत का किसी राज्य के द्वारा, वो केरला राज्य ने ही पास किया था। केरल राज्य ही भारत का पहला राज्य है जहां पर कोरोना वायरस के पहले मामले यहां पर देखने को आपके मिले थे। अगला प्रश्न, कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश की दूसरी सबसे बड़ी परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क यहां पर बन गई है, विच मेट्रो रेल सर्विस हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क इन द कंट्री, करेक्ट आंसर आपको बनता है हैदराबाद मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के बाद दूसरे नंबर पर हैदराबाद मेट्रो आ गई है, यानी कि किलोमीटर्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किलोमीटर कवर करने वाली दूसरी जो मेट्रो है वो हैदराबाद मेट्रो है, जबकि भारत की पहली मेट्रो है जो जबकि भारत में सबसे लंबे किलोमीटर को कवर करने वाली, सबसे लंबे परिचालन नेटवर्क वाली जो मेट्रो है वो दिल्ली मेट्रो आपकी बनती है, जबकि कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो थी जिसे स्थापित किया गया था 1984 में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो करेक्ट आंसर बनता है हरियाणा स्टेट। अरुण थ्री भारत की सहायता से निर्मित किस देश की जल विद्युत परियोजना है, अरुण थ्री इज अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री बिल्ट विद असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है नेपाल। किस देश ने कथित तौर पर हाथियों का शिकार करने के लिए लाइसेंस नीलामी की है, विच कंट्री हैज रिपोर्टेडली ऑक्शनड लाइसेंस टू हंट एलिफेंट्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बोत्सवाना कंट्री। बोत्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी 10,000 ऊंटों को मारने के लिए यहाँ पर अप्रूवल दी थी। अगला प्रश्न, पुस्तक का नाम है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी जिसे हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति मुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है, ये किताब किसकी ऑटोबायोग्राफी आपकी बनती है। द बुक अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी विच वॉज रिसेंटली रिलीज बाई द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट मुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ के रामकृष्ण राव। अगला प्रश्न, किस शहर की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन नकाई नाम की एक पहल शुरू की है, विच सिटीज पुलिस रिसेंटली लॉन्च अ इनिशिएटिव टू कॉल्ड ऑपरेशन नकाई, करेक्ट आंसर बनता है गाजियाबाद। इस ऑपरेशन के तहत यहां पर जितने भी ऑटो हैं जो आपके पब्लिक में चलते हैं या लोगों के लिए चलते हैं, तो सभी ऑटो को यहाँ पर एक यूनिक कोड नेम दिया जाएगा, एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, किसी भी वारदात की स्थिति में, अपराध की स्थिति में उस यूनिक नंबर से उस ऑटो को आसानी से खोज निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक हाल ही में किस संगठन और मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि भारत की सभी नगरपालिकाओं को यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को यहां पर उनके काम के अनुसार उनको रैंकिंग प्रदान करेगा। तो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज एन इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसका नाम याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जहां तक मेरी जानकारी है हरदीप पुरी साहब इस मंत्रालय को आपका देख रहे हैं। आज का जो एमसीक्यू चैलेंज है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना होगा, वो दो प्रश्न है जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित है। पहला है कि धाप नृत्य किस राज्य में धाप नृत्य की शुरुआत हुई थी, और दूसरा प्रश्न यहां पर बनता है काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इन दो प्रश्नों को यहाँ आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके इनके आंसर बताने हैं। इसके अलावा कल मैंने आपसे तीन प्रश्न पूछे थे जो कि ब्रांड एम्बेसडर्स के ऊपर थे, कि ओवर ईट्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, SBI योनो के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और हिमालयन मेंस के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर आपका कौन है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया था, तो मैं चाहूंगा कि उनके नाम मैं एक बार आप सभी को यहाँ पर दिखा दूँ कि सबसे पहले किसने आंसर यहां पर किया था, सही जवाब सबसे पहले किसने दिया था, उन सभी के नाम मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आंसर की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला जो आंसर यहां पर दिया था
समायरा जी ने तो यहाँ पर मोटिवेशनल कोट लिख कर दिया था, आशुतोष बेहरा जी ने आलिया भट्ट, इसके अलावा स्वप्ना बर्मन और विराट कोहली, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया गया है। और सभी ने, विवेक द्विवेदी जी ने भी सही आंसर दिया है, श्रेया श्रीवास्तव जी ने भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप देख सकते हैं आलिया भट्ट उबर ईट्स के लिए, एसबीआई योनो के लिए स्वप्ना बर्मन, और हिमालयन मेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए विराट कोहली हैं। अंजलि तिवारी ने भी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिए हैं, आशुतोष बेहरा जी ने दोबारा यहाँ पर आंसर दिए हैं, इसके अलावा सुधीर कुमार यादव जी ने भी यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर उन्होंने विराट कोहली के साथ ऋषभ पंत को ऐड किया है जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। विकास कुमार जी ने भी है, समायरा सिंह जी भी हैं, रोहित पांडे जी हैं, प्रिंस सिंह जी हैं, सोनम सोनी जी हैं, इसके अलावा प्रीतम कुमार हैं, इसके अलावा सुमित कुमार हैं यहाँ पर, इसके अलावा नंद किशोर शाह जी हैं, पारस जायसवाल हैं, संगीता कुमारी हैं, इन्होंने भी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया है आपका। अंशु पासवान जी हैं, इसके अलावा सुरेश भाई रेवा जी से हैं, पिंटू हैं, स्वेच्छा सिंह यहाँ तो मोटिवेशनल कोट है, जावेद खान जी हैं यहाँ पर, फैशन पांडे जी भी हैं, कैसा नाम है फैशन पांडे, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इन्होंने तारीफ की है, एडिटोरियल के सेशन की बात कर रहे हैं, आज एडिटोरियल का आपका सेशन होगा। मनदीपता चैटर्जी ने भी आंसर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, डीके कुशवाहा जी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर मैंने नाम ले लिया है, और भी उन सभी के नाम आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो आप सभी यहाँ पर बधाई के पात्र हैं जितने भी लोगों ने यहाँ पर नाम दिया है। इसके अलावा मैंने कमेंट बॉक्स के सबसे ऊपर यहाँ पर लिंक पिन कर दी है, यूट्यूब चैनल की लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, आप इन लिंक्स के माध्यम से भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने ज्वाइन टेलीग्राम चैनल और जीए पर क्लिक किया, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर जुड़ जाएंगे जिसका नाम है अंकित गुप्ता जीके। यहाँ पर आपको पीडीएफ और दूसरा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल जिसपे 841 मेंबर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों और मेरे साथियों, आज के लिए सेशन में इतना ही, आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कशन करके अच्छा लगा। अब मुलाकात होगी आप सभी के साथ कल सुबह 7 बजे और अभी यहाँ पर एडिटोरियल के सेशन में। धन्यवाद।